सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, मेरी बाइक जो है वो अराउंड समथिंग 28,000 किलोमीटर्स अभी तक कंप्लीट कर चुकी है। सो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको 28,000 to 30,000 किलोमीटर्स में चेंज करवानी चाहिए और कौन सी क्या बोलते हैं आपको क्लीन करके ही आपका काम चल जाएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं मिलता हूँ डायरेक्ट इसका इंजन ऑयल लेने के बाद और सर्विस सेंटर में। हम लोग 10 TVS जो है वो पहुँच चुके हैं। सो यहाँ पर हम हमारी गाड़ी की जो है वो सर्विसिंग वगैरह करवाते हैं। वैसे तो मैं बहुत लेट आया हूँ बट देखते हैं आज सर्विस होती है कि नहीं। आई होप सो हो जाए बिकॉज बहुत टाइम हो गया यार सर्विस नहीं हुई है मेरी बाइक की। सो गाइस, मेनली जो पार्ट्स चेंज होने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंजन ऑयल है वो तो हर सर्विसिंग में नेसेसरी रहता ही है और मैं जो डलवाता हूँ वो मोटोल का 7100 है जो कि 10W40 है। एज वेल एज आपको ये एक एयर फिल्टर लगेंगे, एज वेल एज ये ऑयल, ये आई थिंक जो ऑयल फिल्टर है, एज वेल एज मेरी बाइक में जो चेंज हो रहा है वो ये बेयरिंग है, इसको कोन सेट बोला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो नेसेसरी है। एज वेल एज जो आपकी जो बाइक में चेन सेट रहता है वो भी आप देख सकते हैं क्योंकि बिकॉज वो बहुत जल्दी वेयर ऑफ होता है। एंड मैं ब्रेक पैड्स तो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करवाता रहता हूँ। सो ये सारे जो पार्ट्स हैं वो आपके जो बाइक है उसमें चेंज होने रहते हैं अराउंड समथिंग 28,000 to 30,000 किलोमीटर्स में। सो चलिए इसे चेंज करवाते हैं और देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट चलते हैं सर्विस के लिए रेडी हो चुकी है। सो भैया, इसमें जैसे गाड़ी 28,000 को चल जाती है तो इसमें कौन से पार्ट्स चेंज होने रहते हैं और मतलब कौन से नेसेसरी चेंज करवाने वो मेरे को बता सकते हैं क्या? 28,000 में आपका सर्विस किट चेंज है। हाँ, पूरा सर्विस किट में जैसे आपका स्पार्क लगा गया जी, कुछ केबल अगर आपका जाम हो गया, हाँ, वो डिस्क पैड हो गया जी, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, बस नॉर्मल ना। और मतलब जैसे कि ये इतनी चल चुकी है तो मेनली जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो चेन सेट है वो चेंज होता है और मतलब मेरी बाइक में सेट तो थोड़ा सा चलाने के ऊपर रहता है, अगर फंस गया तो वो चेंज करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा यूज़ के ऊपर रहता है, यूज़ करोगे उसी हिसाब से सस्ता है। और जैसे कि मेरी बाइक में और क्या होता है वो हैंडल का जो कोन सेट है उसका काम आ चुका है, वो सारा चीज़ क्या होता है नॉर्मल है। मतलब मेरी अराउंड समथिंग 28,000 कुछ चल चुकी है, ठीक है ना। उसका ना वो क्या रहता है, वो वेयरिंग रहता है जी, तो वेयरिंग उसका जाम हो जाता है। हाँ, मतलब जो भी डस्ट वगैरह पड़ता है तो जाम हो जाता है, वो खोल के ग्रीसिंग करने का मतलब ये नया ही लगा तो जाम हो जाता है, उसके लिए वो चेंज हो। और जैसे कि ब्रेक पैड्स हो गए, मैंने ब्रेक पैड्स भी मतलब फ्रीक्वेंटली अभी रिसेंटली चेंज करवाया बट क्या 28,000 के बीच में क्या है कहीं चेंज करवा लेना चाहिए। हाँ, वो आपका 12,000 में चेंज होता है, 8,000 से 12,000, 8 से 12 में ना, ओके। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो 28,000 to 30,000 किलोमीटर्स में चेंज करवाना नेसेसरी रहता है। और आप अगर क्या होते हैं दुर्ग भिलाई से हैं तो फिर आप 10 TVS ज़रूर विज़िट कर सकते हैं बिकॉज भैया का जो बिहेवियर है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एज वेल एज यहाँ के जो काम है वो भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। सो चलिए हम लोग अपनी बाइक का पूरा काम करवाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, गाड़ी चढ़ गई है मतलब सर्विस होने के लिए, एज वेल एज अभी ये जो क्या बोलते हैं छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो चलने के लिए गाड़ी में रेडी हो रहे हैं। ये ऑयल फिल्टर, ये ऑयल है हमारा ऑयल फिल्टर और एज वेल एज ये एयर फिल्टर है। सो गाइस, ये देखिए एयर फिल्टर की जो मतलब क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो ये जो चीज़ है ना भाई वो आप ज़रूर से चेंज करवाइए। ये देखिए इन दोनों का कंपैरिजन देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो 28,000 to 30,000 के बीच में आप उससे पहले भी इसको चेंज मतलब चेक करते रहिए, अगर आपको ज़रूरत लगे कि चेंज करवाना है तो ज़रूर से आप चेंज करवा लीजिए बिकॉज जब तक बाइक की ब्रीदिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आपको अच्छी सी माइलेज नहीं निकाल के देगी वो, एज वेल एज परफॉर्मेंस भी नहीं देगी। बाइक ये इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है, एज वेल एज देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा गंदा हो गया था इंजन ऑयल, पूरा ब्लैक हो गया था, मतलब पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था इंजन ऑयल। तो चलिए इसमें मोटोल का इंजन ऑयल डालेंगे, उसके बाद देखते हैं 7100 जो यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। गाइस, ये है ऑयल फिल्टर जो कि हमारे ये भी नेसेसरी होता है बहुत लगाना अगर आप इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं तो। और ये ऑयल फिल्टर हमारा लग चुका है हमारी अपाचे RTR 200 4B में।
गाइस ये है मोटुल का इंजन ऑयल जो कि मैं यूज़ करता हूँ मेरी अपाचे आरटीआर 204 भी में, बिकॉज ये फुल्ली सिंथेटिक है एज वेल एज़ ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा इंजन ऑयल है और इसकी जो लुब्रिकेंट भी है वो भी बहुत अच्छी है। मैं अगर क्या बोलते हैं मुझे नेट से मिलता है इसका क्या बोलते हैं कंपेरिजन तो फिर मैं इसको ज़रूर डालूँगा। तो गाइस ये मोटुल का 7100 डल रहा है हमारी बाइक में। एक्चुअली हमारी जो अपाचे है इसमें 1.2 लीटर डलता है बिकॉज ये ऑयल कूल्ड व्हीकल है, जो लिक्विड कूल्ड रहता है उसमें 1 लीटर कुछ समथिंग डलता है जो नॉर्मल बाइक रहती है अंडर 200 सीसी। तो गाइस हमारी गाड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है, कंप्लीट सर्विसिंग हो चुकी है इसकी, और क्या क्या चीज़ें जो इसमें लगी और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसका कॉस्ट क्या रहेगा मैं सारी चीज़ें अभी चलते चलते बताऊंगा और एंड में इसका पूरा कैलकुलेशन कर दूंगा कितना कितने की कितना क्या चीज़ रहा। ये कर्नाटक है भाई, कभी कभी आधा गायब हो जाता है इसका मीटर। अब अच्छी लग रही है यार मेरे को गाड़ी, अच्छी लग रही है, स्मूथ लग रही है अब चलाने में, एक बार सर्विस हो जाए तो मज़ा आ जाता है भाई। गियर शिफ्टिंग भी अब अच्छी हो गई है बिकॉज अभी इंजन ऑयल चेंज हुआ है एज वेल एज वहाँ पर सारी चीज़ें जो कंप्लीट हुई है। इसमें जो मेन पार्ट्स जो लगे हैं उसका मैं मतलब क्या बोलते हैं क्या क्या लगा है मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो हैंडल बेयरिंग है वो लगा है और इंजन ऑयल है, उसके बाद क्या बोलते हैं एयर फिल्टर है एज़ वेल एज़ ऑयल फिल्टर है और क्या लगा यार इसमें और उसमें आई थिंक सो और तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी है बिकॉज मैं टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहता हूँ अपनी बाइक की। अगर आप टाइम टू टाइम ऐसे सर्विस वगैरह करवाते रहेंगे, एयर फिल्टर्स वगैरह चेंज करवाते रहेंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो माइलेज भी अच्छा देगी। और अब मैं इसमें एक माइलेज टेस्ट भी अभी करने वाला हूँ थोड़े टाइम में, और बहुत टाइम से मैं मतलब मैंने बताया था अपने चैनल में कि क्या बोलते हैं जैसे इसका जो टायर लगेगा उसमें मैं माइलेज टेस्ट करूंगा, तो अभी तक वो तो हो नहीं पाया बट अब ये सर्विस हो चुकी है तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब माइलेज टेस्ट कर लिया जाए बिकॉज थोड़ी बेटर माइलेज देगी उसमें। आई नो ड्रॉप तो हुआ होगा क्योंकि 180 सेक्शन का टायर है। अभी चीज़ें जितने भी पार्ट्स इसमें लगे उन सारी चीज़ों का क्या बोलते हैं कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे।